नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र जलगांव पचोरा तहसील में तहसील कार्यालय के बाहर राजपूत समाज के गिरीश चंद्र परदेसी एवं समाज के साथियों के साथ 20 फरवरी से आमरण अनशन पर अपने राजपूत समाज की विभिन्न मांगों के साथ बैठे हैं। कुछ दिन पहले संभाजीनगर के राजपूत समाज के अधिवेशन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आश्वासित किया था कि राजपूत समाज की मांगे जैसे कि राजपूत भामटा एवं परदेसी भामटा जातीय प्रमाण पत्र एवं वैधता प्रमाण पत्र सरल रूप से दिया जाएगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना की जाएगी। राजपूत समाज के हर छात्र छात्राओं को हर जिले में शासकीय निम्न शासकीय छात्रावास स्थापना की जाएगी। समाज हित में आंदोलन करते हुए जो मुकदमे राजपूत समाज के लोगों पर दाखिल हुए उन्हें वापस ले जाएंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जयंती राज्य में 9 मई जन्मतिथि अनुसार मनाई जाए एवं उसी दिन पूरे राज्य में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए। और भी कुछ मांगे थी लेकिन महाराष्ट्र शासन प्रशासन के द्वारा आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। और 2 अक्टूबर को जलगांव में आमरण अनशन पर राजपूत समाज के लोग बैठे थे। अनशन के दौरान छठे दिन पाचोरा भड़गांव के विधायक किशोर अप्पा पाटिल ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन करके मध्यस्थिति की थी। इसी वक्त फोन पर मुख्यमंत्री ने राजपूत समाज की सभी मांगे पूरे करने का पूरे राजपूत समाज को आश्वासित किया था कि इसलिए इस अनशन को स्थगित किया गया था। इस अनशन को 4 महीने होने के बाद भी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है, इसलिए राजपूत समाज के लोगों को मजबूर होकर 20 फरवरी से जलगांव जिले के पाचोरा तहसील में आमरण अनशन पर बैठना पड़ा और बैठे हैं। जब भी तक राजपूत समाज की मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनशन से हटेंगे नहीं। वहीं राजपूत समाज को आज अनशन पर बैठना पड़ रहा है। यह समस्त राजपूत समाज के लिए बड़ी दुख की बात है। महाराष्ट्र जलगांव पचोरा से प्रमोद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आपका स्वागत है। पचोरा में तहसील कार्यालय के बाहर राजपूत समाज बांधव अपनी कुछ मांगों के लिए आमरण उपोषण कर रहे हैं। उनके जो मांगे है उनके जानकारी जो है राजेंद्र परदेसी उनसे ही जानते हैं। 14 मई को संभाजीनगर महाराष्ट्र में राजपूत समाज का बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे लाखों के कागज से राजपूत जमा हुए। वो प्रोग्राम का अध्यक्ष स्थान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह साहब थे। वो टाइम पे महाराष्ट्र ये जो मांगे पीछे है वो मांगे वो टाइम पे उनके सामने रखी थी। तो महाराष्ट्र सरकार के सीएम डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों ने ये सब मांगे पूरी किए है ऐसा राजनाथ सिंह साहब के सामने जबान दी थी पूरे लाखों के सामने। उसके बाद में कुछ उसके ऊपर हुआ नहीं करके हमने 2 अक्टूबर को जलगांव महाराष्ट्र में आमरण उपोषण किया। वो आमरण उपोषण 6 दिन चला। 6वें दिन शाम को अपने समाज के माननीय आमदार किशोर अप्पा पाटिल जी वो आए। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन पे एकनाथ शिंदे साहब ने 3 दिन के अंदर सब मांगे पूरी करता हूँ ये वो बोला। अपन ने उनको बोला 3 दिन नहीं 8-10 दिन लो लेकिन ये मांगे पूरी करो। आज 4 महीना हो गया एक भी मांग पूरी की नहीं है। उस वजह से फिर से राजपूत समाज को आमरण अनशन करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से पूरे राजपूत समाज को बताना चाहता हूँ ये काम हमने समाज का है, समाज हित का है, समाज भविष्य के लिए है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजपूतों ने एक सोशल मीडिया ट्रेंड चलाया कि राजपूत समाज को न्याय मिले। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।